शराब बेचने वाला मुख्यमंत्री और जेल में रहकर भी ये लालू जी से भी ऊपर है। लालू जी को हम लोग देश का भ्रष्टम नेता मानते थे, आज केजरीवाल इतना बेशर्म मुख्यमंत्री है कि जेल के अंदर रहकर मुख्यमंत्री रहे, राहुल गांधी हो या लालू जी का परिवार हो, ये लोग 5 दिन जनता के बीच में जाएंगे और 25 दिन यात्रा करेंगे विदेशों में। अब 2 महीने में चुनाव का घोषणा होना है और ये नियम कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप 6 महीने के पहले एक तरह से इलेक्शन कमीशन के अधीन होता है चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है और इस मौके पर देखिए बीजेपी कार्यालय में सेवा पखवाड़ा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ बिहार के दोनों DPCM और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे। जब बिहार के DPCM सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो साफ साफ अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सबसे भ्रष्टम मुख्यमंत्री हम लालू जी को मानते थे, लेकिन लालू जी से भी ज़्यादा भ्रष्टम जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनाते उनके पूरे बयान। राहुल गांधी हो या लालू जी का परिवार हो, ये लोग 5 दिन जनता के बीच में जाएंगे और 25 दिन यात्रा करेंगे विदेशों में। नाखून कटाकर शहीद होना, इसी को कहते हैं। अब 2 महीने में चुनाव का घोषणा होना है और ये नियम कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप 6 महीने के पहले एक तरह से इलेक्शन कमीशन के अधीन होता है चुनाव, ये नाखून कटाकर शहीद होना है। केजरीवाल का मतलब है भ्रष्टाचारी, शराब बेचने वाला मुख्यमंत्री और जेल में रहकर भी ये लालू जी से भी ऊपर है। लालू जी को हम लोग देश का भ्रष्टम नेता मानते थे, आज केजरीवाल इतना बेशर्म मुख्यमंत्री है कि जेल के अंदर रहकर मुख्यमंत्री रहे और जेल के बाहर आकर अब ड्रामा कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद। तो आपने DPCM सम्राट चौधरी के पूरे बयान को सुना, साफ साफ कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हम किसी को मानते थे तो वो लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन अब उनसे भी आगे निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी लेकर बड़ा बयान दिया है सम्राट चौधरी ने और कहा है कि सिर्फ 5 दिन के लिए यात्रा के लिए जाते हैं तेजस्वी यादव और उसके बाद जो है 25 दिन के लिए विदेश टूर पे जाते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी को भी लेकर भी सम्राट चौधरी ने बहुत कुछ कहा है। आपने सुना सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। तो फिलहाल अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।